Subscribe to my channel for more amazing content. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, कंपनीज लाइक शाओमी और रियलमी ने जब से इंडिया में टैबलेट लॉन्च करना चालू हुआ है, तो डेफिनेटली एंड्रॉइड स्पेस में टैबलेट की सिचुएशन जो है दोस्तों इंडिया में काफी ज्यादा बेटर हुई है। स्पेशली अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूं मी पैड 5 की, तो ये वाला टैबलेट मुझे लगता है अब तक का सबसे अच्छा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ द डिजाइन एंड द स्क्रीन क्वालिटी सबसे अच्छा इवन टिल डेट जो है दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है। बट व्हाट्स नेक्स्ट? तो व्हाट्स नेक्स्ट जानने के लिए दोस्तों बने रहिए मेरे इस वीडियो में आखिरी तक। तो यहाँ पे दोस्तों कल की बात है, चाइना में Xiaomi की तरफ से दोस्तों Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 इंच वाला जो मॉडल है आप लोगों को देखने को मिलता है, और बहुत ही जल्दी दोस्तों बिकॉज ऑफ द पोर्टफोलियो एक्सपेंशन ये आप लोगों को इंडिया में भी जो है देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों इस टैबलेट में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, और इस टैबलेट को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं Xiaomi Pad 5 या फिर Mi Pad 5 बोल लो। Xiaomi Pad 5 जो है दोस्तों आउटसाइड इंडिया इसका नाम चलता है, लेकिन इंडिया में आते जो है इसका नाम Mi Pad 5 यहाँ पे हो जाता है। तो बात करेंगे एक एक एस्पेक्ट के बारे में। नाउ दोस्तों, जब भी किसी गैजेट के नेम के सामने जो है प्रो नाम जुड़ जाता है, तो डेफिनेटली आप लोगों को लगता होगा कि इसमें कुछ और प्रो फीचर्स हैं। वैसा यहाँ पे भी है, लेकिन कुछ ऐसे जो है यहाँ पे दोस्तों कटिंग की गई है जो कि आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगा कि इसका 11 इंच वाला मॉडल ले या फिर इसका जो है 12.4 इंच वाला मॉडल ले। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे वेट की, बिकॉज 11 इंच से 12.4 इंच पे आप जो है शिफ्ट हो रहे हो तो कितना वेट जो है यहाँ पे आपका इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, जो 11 इंच वाला मॉडल था आपका 511 ग्राम का जो है यहाँ पे निकल कर आता है, वेरास यहाँ पे दोस्तों 12.4 इंच का जो मॉडल आपका निकल कर आता है दैट इज 620 ग्राम्स। तो अराउंड 100 ग्राम्स का जो है यहाँ पे आप लोगों को इंक्रीज इन वेट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ डिस्प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी टैबलेट, तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में जो है दोस्तों थोड़ी बहुत कटिंग यहाँ पे की हुई है, और इसका जो इफेक्ट है दोस्तों यहाँ पे बहुत ही मैं कहूंगा आपको फील होगा, ठीक है। नाउ देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि 10 बिट पैनल और 8 बिट पैनल जो है एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर है, 12 बिट वाले पैनल भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है दोस्तों आजकल के कंटेंट इतने ज्यादा जो है अच्छे हो गए हैं, क्वालिटी इनकी इतनी अच्छी हो गई है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट वीडियो क्वालिटी में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो 10 बिट पैनल दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है अच्छा खासा इफेक्ट डालता है, और अगर आप कंटिन्यूसली 10 बिट पैनल का कंजप्शन करते हैं दोस्तों, तो जब भी आप 8 बिट वाले पैनल पे शिफ्ट होंगे तो आपको कहीं ना थोड़ी बहुत जो है कमी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वैसा ही दोस्तों यहाँ पे हुआ है, 12.4 इंच वाले टैबलेट के अंदर जो है आप लोगों को 8 बिट का पैनल दिया गया है, सो दैट्स द डाउनग्रेड। वेरस Mi Pad 5 जो है दोस्तों वहां पे आप लोगों को 10 बिट का जो है पैनल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, ये वाला टैबलेट जो है आप लोगों को पूरा का पूरा जो है स्पेसिफिकेशन में व्हेन इट कम्स टू द डिस्प्ले सेम देखने को मिलेगा, सेम HDR10 का जो है यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिलता है। दोनों ही टैबलेट में आप लोगों को जो है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, यहाँ पर दोनों ही टैबलेट में आप लोगों को 500 निट्स की जो है पैनल ब्राइटनेस मिलती है, और दोनों ही टैबलेट जो है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस जो है यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, सो दैट्स वेरी गुड थिंग। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप लोगों को और नोट करनी चाहिए, दैट इज पिक्सल पर इंच। तो बिकॉज दोस्तों यहाँ पे अगर टैबलेट आपका छोटा होता है तो वहां पे PPI आपकी जो है ज्यादा निकल कर आती है, और जैसे ही टैबलेट आपका बड़ा होते जाता है दोस्तों उसकी PPI थोड़ी कम हो जाती है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। 274 PPI आपको 11 इंच वाले में देखने को मिलती है, और 244 PPI जो है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 12.4 इंच वाले वेरियंट में देखने को मिल जाएगी, सो दैट्स काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रोसेसर के बारे में। बाय द वे दोस्तों, दोनों ही केस में डिस्प्ले की जो एस्पेक्ट रेशियो है आप लोगों को 16:10 देखने को मिल जाती है। एनीवे गाइस, इफ यू स्टिल कंसीडर माय कंटेंट एज ए वैल्यूएबल इनफ, देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए जो है लाता रहूंगा और यूट्यूब पे बना रहूंगा। प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि मुझे लगता है कि काफी बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। नाउ मैं अपने वीडियोस में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों कि प्रोसेसर ईयर बाय ईयर अच्छे खासे इंप्रूव होते जा रहे हैं, उस हिसाब से जो अपनी वर्किंग है दोस्तों वो उतनी ज्यादा जो है इंप्रूव नहीं हो रही है, राइट। तो अगर कंपनीज पिछले साल वाले प्रोसेसर भी यूज करके आपको अगर प्रोडक्ट थोड़े बहुत अच्छे खासे प्राइस में देती है, कम प्राइस पॉइंट पे देती है, सो दैट्स ए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डील। इवन कस्टमर का भी काम हो जाएगा और कंपनीज के ऊपर ज्यादा लोड भी नहीं आएगा कॉस्ट कटिंग के लिए। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, नए 12.4 इंच वाला जो वेरिएंट है वहां पे दोस्तों आप लोगों को स्नैपड्रैगन 870 जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
which by far is the very best value for money processor in the entire market when it comes to the mobile chipset, because Snapdragon 870 dosto ek to tried and tested yahan pe nikal ke aata hai, aur heating issues dosto is processor ke kafi zyada minimum hai. Apart from that dosto, agar aapko itna bada form factor mil raha hai तो हीट डिसिपिएशन भी जो है काफी ज्यादा अच्छा से यहाँ पे हो जाता है. और एक लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज दिस प्रोसेसर इज कंपैरेटिवली ओल्ड, आई थिंक 2 साल तो हो ही गए होंगे इस प्रोसेसर को, तो यहाँ पे जो है दोस्तों जो प्राइस इसके निकल कर आती है वो काफी ज्यादा जो है कम निकल कर आती है. नो स्नैपड्रैगन 860 की अगर मैं बात करूं जो कि 11 इंच वाले वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है, वहां पे दोस्तों थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज थे जब स्नैपड्रैगन 860 लॉन्च हुआ था, बट दैट्स काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल, और वो प्रोसेसर जो है काफी ज्यादा पुराना हो जाता है. तो स्नैपड्रैगन 870 जो है दोस्तों कहीं ना कहीं एक बेस्ट चॉइस जो है यहाँ पे कंपनी की तरफ से दी गई है. याद रखिए दोस्तों, ये वाला टैबलेट जो है कंपनी ऐसे सुपर हाई एंड टैबलेट पोर्ट्रेट नहीं कर रहा है. तो डिस्प्ले में कटिंग देख लिया आप लोगों ने, प्रोसेसर में जो है आप लोगों को थोड़ा ओल्ड प्रोसेसर यहाँ पे मिला है, बट यहाँ पे ऐसा है दोस्तों कि किसी भी कटिंग से जो है आपके ऊपर कोई भी उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है. फिर बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पे रैम और स्टोरेज की, तो दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिलता है, लेकिन रैम में यहाँ पे फर्क है. रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द रैम, जो 12.4 इंच वाला वेरिएंट है दोस्तों वहां पे आप लोगों को जो है DDR5 रैम देखने को मिलती है, वेराज जो 11 इंच वाला वेरिएंट है वहां पे आप लोगों को DDR4X रैम देखने को मिल जाती है. तो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस का इफेक्ट जो है आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेगा, उससे ज्यादा कोई जो है यहाँ पे डिफरेंस नहीं है. एक और चीज दोस्तों जो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी लगी, जैसे कि आप लोगों ने Mi Pad 5 में देखा होगा दोस्तों कि यहाँ पे रैम और स्टोरेज का उतना ज्यादा तालमेल जो नहीं है, लाइक 6128 इज ओके, लेकिन 6256 आई थिंक इट्स नॉट गुड. आई थिंक इसकी जगह 8256 या फिर 1256 जो होना चाहिए था, एटलीस्ट ऑप्शन में तो बिल्कुल ये होना चाहिए था. तो सेम चॉइस जो है आप लोगों को यहाँ पर 12.4 में देखने को मिल रही है, 6128, 8256 और 12512 का जो है स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है. सॉफ्टवेयर की बात करें, बिकॉज 12.4 इज द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो है एंड्रॉइड 12 का जो है सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, वेरस 11 इंच वाले में आप लोगों को स्टिल एंड्रॉइड 11 का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है. बात करें दोस्तों इसकी अवेलेबिलिटी की, तो मोस्ट लाइकली दोस्तों ये वाला जो टैबलेट है आप लोगों को जो है अक्टूबर के महीने में जो है देखने को मिल जाएगा. प्राइसिंग की बात मैं दोस्तों यहाँ पे कर लेता हूँ, तो प्राइसिंग की बात दोस्तों मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 12.4 इंच का जो वेरिएंट होगा स्टार्टिंग वाला, वो आप लोगों को मोस्ट लाइकली 38,000 to 40,000 रुपीज के बीच में देखने को मिल जाएगा, और टॉप एंड वेरिएंट जो है दोस्तों आप लोगों का स्टिल 55,000 to 58,000 रुपीज तक जो है यहाँ पे आराम से आपको देखने को मिल जाएगा. बात करते हैं दोस्तों ब्लूटूथ वेरिएंट की, तो 12.4 इंच वाले वेरिएंट में दोस्तों आप लोगों को ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिलता है वर्सेस ब्लूटूथ 5 इन केस ऑफ 11 इंच मॉडल. कैमरास, नाउ कैमरास जो है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक चीज नोट करनी होगी कि देखिए कैमराज भले ही 64 हो जाएं, 108 हो जाएं, आपको जो इमेज मिलती है दोस्तों वो पिक्सल बेरिंग करके जो है देखने को मिलती है. तो सिमिलरली यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों जो पीछे वाले कैमरा की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे आप लोगों को 50+2 मेगापिक्सल का जो है यहाँ पे कैमरा देखने को मिलता है. तो 50 मेगापिक्सल वाला जो आपको कैमरा देखने को मिलता है फ्रेंड्स, वहां पे आप लोगों को पिक्सल बेरिंग की भी इमेज देखने को मिलती है. दैट मींस आपकी जो है 12.5 मेगापिक्सल वाली इमेज देखने को मिल जाएगी, और जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों 20 मेगापिक्सल का, वहां पे भी आपको जो है इमेज पिक्सल बेरिंग करके देखने को मिलेगी. दैट मींस वो भी जो है अराउंड आप लोगों का 5 मेगापिक्सल इमेज आपको देखने को मिलेगी. तो कैमरा के केस में दोस्तों मुझे लगता है कि काफी अच्छा खासा जो है यहाँ पे काम किया गया है. इनफैक्ट इतना काम किया गया है कि कहीं ना कहीं टैबलेट के रिक्वायरमेंट से बढ़ के जो है आप लोगों को यहाँ पे कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं. फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 11 इंच वाले मॉडल में, जैसे कि आप लोगों को पीछे का 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल आगे का कैमरा जो है आपको देखने को मिलता है. नाउ कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आगे वाला जो कैमरा होता है उसकी क्वालिटी जो है कंपनीज को सुधारनी चाहिए, जैसे कि 12.4 इंच में आपको देखने को मिलता है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग जिस तरीके की ऑनलाइन मीटिंग का सिनेरियो आजकल आपको देखने को मिलता है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बैटरी की बात कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप लोग एक चीज नोट करेंगे दोस्तों, 12.4 इंच वाले वेरिएंट में जो है आप लोगों को एज कंपेयर टू 11 इंच वेरिएंट हर चीज आप लोगों को जो है 25% एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगी, जैसे कि बैटरी जो है 8700 mAh वर्सेस 10000 mAh जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है. पर सिर्फ इतना है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को 67 वॉट का जो है चार्जर देखने को मिलता है. नाउ चार्जर जो है दोस्तों आप लोगों को जो है बॉक्स में देखने को यहाँ पर मिल जाएगा. और एक और चीज दोस्तों यहाँ पे की गई है कि बिकॉज कॉस्ट कटिंग जो है कहीं ना कहीं से करनी है, तो आपको कोई भी 5G वेरिएंट यहाँ पे जो है देखने को नहीं मिलता. वैसे ही आप लोगों को Mi Pad 5 में जो है एटलीस्ट इन इंडिया कोई भी 5G वेरिएंट जो है देखने को नहीं मिला था. तो एक अच्छी चीज है दोस्तों, देखिए कॉस्ट कम करना काफी ज्यादा जरूरी चीज है, बिकॉज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये जो टैबलेट्स है इनकी जो मेन प्ले फील्ड है वो कहीं ना कहीं मिड रेंज है, बिकॉज हायर एंड में जैसे ही जाते हैं दोस्तों, इनफैक्ट मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप बंद करके जो एप्पल के टैबलेट्स आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द आईपैड ईयर, वो जो है आप लोग कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज दे ऑफर इनक्रेडिबल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्ले एंड इन टर्म्स ऑफ द सॉफ्टवेयर
सपोर्ट जो कि ऑप्टिमाइज्ड है, बिकॉज देखिए डेवलपर किसी चीज पे वर्क तभी करेगा जब वो प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो एंड्रॉइड के कंपैरिजन में दोस्तों एप्पल के टैबलेट्स का जो फैलाव है लोगों के बीच में वो काफी ज्यादा है, तो वहां पे इसलिए आपको जो हर ऐप है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज देखने को यहां पर मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग दोस्तों इस ऐप को यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहां पर ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है। आप लोग यहां पर अगर देखें इस चीज को तो ऐसा कुछ जो है आप लोगों को सिनेरियो देखने को यहां पर मिल जाता है, तो ये एक अच्छी चीज निकलकर आती है। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे यूएसबी टाइप सी की। नाउ टाइप सी जो है दोस्तों आप लोगों को जो है आजकल हर कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ठीक है टाइप सी की जो जनरेशन है वो कौन सी है, तो 12.4 इंच में दोस्तों आप लोगों को यूएसबी 3.2 जेन 1 देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज निकल कर आती है। दोस्तों आप कुछ भी फोटोज वीडियोस लेंगे, ठीक है, इनफैक्ट मैं वीडियोस की बात कर रहा हूं, जब आपके पास यूएसबी 2 होती है ना तो वीडियोस जब ट्रांसफर होते हैं तो काफी ज्यादा जो है उसमें टाइम लगता है, लेकिन यूएसबी 3.2 जेन 1 आपके पास में है तो यहां पे आप लोगों की ट्रांसफर स्पीड जो है काफी जल्दी जो है आपको देखने को यहां पे मिल पाएगी। एंड इनफैक्ट आप जो है दोस्तों इसे जो है मॉनिटर से भी आराम से प्लग इन कर सकते हैं। अगर मैं 11 इंच वाले वेरिएंट की बात करूं तो वहां पे आप लोगों को देखिए कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो मोस्ट लाइकली आई अज्यूम कि वहां पे आपको यूएसबी 2 ही देखने को मिल जाता है, दैट इज यूएसबी 2.0। आपका क्या मानना है दोस्तों इस टैबलेट के बारे में, मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए।